रखती तोड़ कर आपको दिखाते हैं कि अंदर से कैसा दिखता है भाई। दवा है तो पूरा जो है इसके अंदर से रस्सा निकल रहा है। उठाइए तो कटोरा काका, कटोरा थोड़ा उठाइए ना। हाँ देखो भाई ये है रक्ति, तो ये मतलब एकदम प्योर खसी का खून है। अभी कितना देर ऐसे गर्म पानी में खून रहेगा दादा? 5 मिनट। 5 मिनट। अच्छा इसको पहले गर्म पानी में क्यों डालते हैं? तो भाई साहब यहाँ पे पूरा माहौल सुरसुरा गया और अपना खस्सी का रक्ति बनकर लगभग हो चुका है रेडी। दादा अब हमको रेट बताइए, क्या रेट लेते हैं बनाने का, कैसा डिमांड रहता है इसका, बिकता है बढ़िया ये? और ये वजन हो गया। अब हमको ये बताइए काका कि ये बाजार कौन से दिन लगता है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम आपको लेकर आ चुके हैं एक बार फिर से रांची शहर से लगभग 95 किलोमीटर दूर एक बहुत ही खूबसूरत से गांव में लगने वाले एक बहुत ही बड़े बाजार को एक्सप्लोर कराने के लिए। और आज जो बाजार हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं उस बाजार की खूबसूरती आपको मेरे पीछे दिख रही होगी। और इस बाजार में आपको गाँव घर का सारा देसी सामान मिलने के साथ साथ साग सब्जी का भी बड़ा बढ़िया सा भरमार होता है। और इस बाजार को सबसे अलग बनाता है यहाँ पे मिलने वाला नॉनवेज, जहाँ पे आपको प्योर देहाती खस्सी का मीट, प्योर देहाती मुर्गी का मीट, देहाती बत्तख का मीट, पोल्ट्री मुर्गे का मीट और इसके साथ साथ आपको तरह तरह का यहाँ पे मछली भी मिलने वाला है। लेकिन इन सबसे हटके आज हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं खस्सी के खून का स्वाद और दिखाने वाले हैं कैसे वो बनाया जाता है। तो बिना देर के सबसे पहले हम लोग इस बाजार के बारे में जान लेते हैं। अभी जिस बाजार में है इस बाजार को खूंटी बाजार बोला जाता है, जिसका थाना आपका चौका पड़ता है और ये पड़ता है आपका सरायकेला खरसावा जिले में। रांची से तो इसकी दूरी बताई हमने, जमशेदपुर से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके अलावा अगर आप दुनिया के किसी भी कोने से यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं तो आपको मिलने वाला है गूगल मैप का लिंक, जिस पर आप क्लिक करके बहुत आसान तरीके से पहुँच सकते हैं। तो गई इस भीड़ भाड़ वाले खूबसूरत से बाजार में पहुंचना कैसे है उसकी सारी जानकारी हमने दे दी। अब आपको ये बाजार हम एक्सप्लोर कराएंगे और ये बाजार जो है ना 2 से 3 बजे के बीच स्टार्ट होता है लगना। और अभी यहाँ पे देख सकते हो बाजार स्टार्ट हुआ है और भीड़ भाड़ लोगों का कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे देख सकते हो आप गांव घर का सारा देसी सामान आपको एक से बढ़कर एक मिलने वाला है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी दोनों तरफ। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं और यहाँ पे पपीता के साथ मिल रहा है महंगा वाला सब्जी सुट्टी, कतो करे दिच्चन का की 20 टका बंडल देख लो, 20 रुपये में भाई साहब ये बंडल मिलेगा और नहीं भी तो कम से कम 250 ग्राम जो वजन है। और यहाँ पे है दतवन मजबूत करने का दांत, कैसे मुठ्ठा? 5 रुपये भाई साहब रेट देखो, मतलब जनरली बाजारों में 10 रुपये होता है लेकिन यहाँ पे 5 रुपये मिलेगा। और उसके बाद देखो यहाँ पे सब्जी का वेराइटी, भिंडी, छोटा करेला, कटहल, ऐसे दे रहे भिंडी काका 60 रुपये भाई साहब देख लो भिंडी 60 रुपये है। रेट जो है बाकी बाजारों से यहाँ पे भिंडी का थोड़ा सस्ता लग रहा है। और यहाँ पे बिलौती सजाया हुआ है, कतो करे बिलौती 20 रुपये ये देखो 20 रुपये बिलौती इनके पास मिल जाएगा। और उसके बाद जो है ना इस साइड पे देखो साग लगा हुआ है, क्या साग है जानते हैं? क्या साग है ये? लोटिया साग। अच्छा लोटिया साग, तो भाई साहब ये है आपका लोटिया साग 10 रुपये ना काका? 5 रुपये भाई साहब 5 रुपये। और यहाँ पे देखो क्या सुंदर सा, मतलब यहाँ पे प्याज और यहाँ पे प्याज का साग, कैसे बंडल? 10 रुपये। और कद्दू कैसे दे रहे काका? 20 रुपये पीस। 20 रुपये में भाई साहब देख लो बड़ा वाला मोटा मोटा आपको कद्दू मिलने वाला है। और उसके बाद जो है ना और आगे बढ़ते और यहाँ पे देखो आधी लहसुन, ये सबका बढ़िया सा दुकान लगा हुआ है। लहसुन देखो लग रहा भाई राजभोग है, बड़ा बड़ा साइज का एकदम, हाँ रसगुल्ला जैसा, कैसे दे रहे हैं? 160 रुपया। और आधा 200 रुपये बेच रहे हैं, वाह। और यहाँ पे देखो इस साइड पे फूलगोभी सजाया जा रहा है छोटा छोटा, कैसे है? अच्छा बड़ा भी है, कैसे दे रहे हैं? 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो, एक किलो में 4-5 को चढ़ जाता है। आपके जरिए मोदी को संदेश भेज दीजिए, हाँ बोलो ये जो किसान सम्मान निधि है ना, हाँ सारा किसान का पैसा रुका हुआ है, रुका हुआ है, ऑनलाइन में बोलो प्रज्ञा केंद्र में डालो और फटाफट भेजो। अच्छा तो आपका किसान बहुत तकलीफ में है, तकलीफ में, तो ये खबर पहुंच जाएगा? हाँ। तो भाई ये जो है मतलब उनका जो तकलीफ था उन्होंने ये बताया और आई होप उन तक पहुंचे। इस साइड पे देखो शरबत, मतलब भाई साहब गर्मी में राहत देने का सामान है। नींबू मतलब 3 डिवीजन है इसका, कैसे दे रहे नींबू? 15 रुपये जोड़ा, 10 रुपये जोड़ा, 10 में 3। अच्छा मतलब ये 3 जो सजा के रखे हैं उसी हिसाब से ना, ये 10 रुपये जोड़ा, 10 में 2। और उसके बाद इस साइड पे देखो ये एक साग है, क्या साग है ये? कलमी साग, कैसे? 10 रुपया भाई साहब ये कलमी साग। और ये जो है ना बंगाल में बहुत चलता है, कलकत्ता साइड में मतलब आपको खास करके लोग बड़े चाव से खाते हैं। और यहाँ देखो आलू वगैरह, इस बाजार में जो है ना हरियाली
पूरा एकदम भरा हुआ है, ये देखो देख रहे हो, फूल गोभी 40 रुपए किलो, एकदम चमकदार बड़ा बड़ा साइज का। यहाँ पे गाजर, परवल भी आ गया बाजार में। कैसे है परवल? कैसे पटल? कत करे पटल? और झींगा कैसे है? भाई साहब इनके पास सारा सीजन का बढ़िया सब्जी आ चुका है, देख रहे हो। और बाजार में क्या है कि देखो बार्गेन तो लोग करते ही करते हैं, वहाँ पे उनका जो है चल रहा था अपना। और यहाँ देखो सीम कैसे है, सीम काका सीम कत करे? 15 रुपए सीम है, ये देख लो। मतलब भाई साहब पैकारी का भी काम हो रहा है, होलसेल में भी जो है लोग खरीद बिक्री करते हैं। इस साइड पे देखोगे तो यहाँ पे घोंगी है, कैसे दे रहा है भाई घोंगी? 30 रुपए किलो, 30 रुपए घोंगी है। और यहाँ पे देखो बत्तख का मीट बेच रहे काका, ये देखो मीट रखा हुआ है और यहाँ पे माल बनाकर रखा हुआ है। कैसे दे रहे काका का? बत्तख मीट कत करे? 400 रुपए। और गोटा कत दिच्छे? अच्छा कोई नहीं लेता है, और कोई ले तो कितना में देंगे? अच्छा मतलब थोड़ा बहुत कम हो जाएगा? नहीं, पीछे देख सकते हो माल पूरा भरा हुआ है। और उसके बाद जो है ना और आगे आपको लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे देखो सेम आपको पोल्ट्री का मीट यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, और यहाँ पे देसी रखा हुआ है। आपका है देसी? अच्छा देसी जो है इधर बैठे हुए हैं, तो ये देखो देसी वाले अंकल यहाँ पे हैं। कैसे दे रहे देसी अंकल? कतो करे देसी मीट? ये तो बत्तख, और वही देसी देसी कतो देसी? 600 भाई, 600 रुपये। ये देसी जो मीट होता है ना, मतलब जवान थोड़ा सा लड़खड़ाया जा रहा है, ये देसी मीट देख रहे हो, हर बाजार में आपको यही रेट मिलने वाला है, 600 रुपये किलो ही मिलता है। और यहाँ पे वही आपको पोल्ट्री है, यहाँ से जो है खस्सी मीट स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, और भीतर भी बिक रहा है। यहाँ देखो मीट है, यहाँ पे भी मीट है, पीस पीस करके रखा हुआ है। ये है छाटन, यहाँ पे है आपका पंजरी, चर्बी, ये सब। और जिस चीज़ के लिए हम आए हुए हैं भाई, वो है ये रक्ती। थोड़ा उठाइए तो कटोरा काका, कटोरा थोड़ा उठाइए ना। हाँ देखो भाई ये है रक्ती, तो ये मतलब एकदम प्योर खस्सी का खून है। बहुत बढ़िया, तो देख लो मतलब इसमें डालते हैं तो ये अपने जाम जाता है कि कुछ डालना पड़ता है इसमें? कुछ नहीं डालते इसके, जेली अपने से बन जाता है। ये देख लो, तो कैसे देते हैं रक्ती? 60 रुपये पाव। भाई रक्ती का जो रेट है 60 रुपये पाव है, और खस्सी मीट कैसे दे रहे हैं? 700 रुपये, सारा प्योर देहाती माल। बहुत अच्छा, तो ये जो है ना अगर यहाँ पे ये रेट है, तो आसपास जो देख रहे हो ना दुकान, सब में आपको यही रेट मिलने वाला है। तो ऐसा करते हैं रक्ती भाई खरीद लेते हैं, आप लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि रक्ती कैसे बनता है, उसका स्वाद कैसा होता है। एक पाव मिल जाएगा रक्ती? दे दीजिए एक पाव रक्ती। भाई आज जो है रक्ती का स्वाद चखने वाले हैं। और ये देखो भाई साहब ऐसे जो है चाकू मारा गया और रक्ती जो है टुकड़ा हो गया, और अब प्लास्टिक में जा रहा है रक्ती, और अब वजन होगा उधर। तो इसको पीस पीस करते हैं कि नहीं वो कर देगा वही पक? अच्छा जहाँ पे आप बनवाओगे वो भी जो है पीस पीस अपने बन जाएगा। और ये देखो मतलब कैसा लगता है, कलेजी जैसा लगता है कि अलग टेस्ट है? अलग टेस्ट है। अच्छा लगता है? अच्छा। कैसा डिमांड रहता है इसका, बिकता है बढ़िया ये? और ये वजन हो गया। अब हमको ये बताइए काका कि ये बाजार कौन से दिन लगता है? सोमवार को, शुक्रवार को। बड़ा बाजार कौन दिन है? शुक्रवार को। और आप कितने बजे आ जाते हैं यहाँ पे? 12:30 बजे आ जाते हैं। तो भाई साहब अगर आपको खस्सी का मीट खाना हो, रक्ती खाना हो, तो खूंटी के इस बाजार में आप यहां से जो है ये मीट खरीद सकते हो। तो भाई इस खस्सी का रक्ती लेने के बाद आ चुके हैं बनवाने के लिए, और भाई साहब ये भैया जो है ना बड़े मास्टर हैं सब चीज़ों के। और यहां पे देख सकते हो कढ़ाई अपने लिए चढ़ा दिया गया, और यहां पे लोग खुद से भी मीट पका रहे हैं। और ये गर्म हो गया कढ़ाई दादा? हाँ गर्म हो गया कढ़ाई, गर्म हो गया तो रक्ती ले लीजिए। धरुण दादा दादा। और ये भाई साहब हमने दे दिया इनको रक्ती। तो गाइस अब जो है अपना रक्ती बनना स्टार्ट हुआ है। और जनरली क्या है बाजार में हम कुछ भी बनवाते हैं चिकन मटन, तो सबसे पहले जाता है सरसों का तेल, लेकिन यहाँ पे जा रहा है सबसे पहले पानी। तो आप लोग जो है ना पूरा प्रोसेस देखना कि भाई साहब किस तरीके से रक्ती बनाया जाता है। तो गाइस यहाँ पे पानी जो है अपना उबाल मार चुका, और देख सकते हो
खून का पूरा थक्का कढ़ाई में डाल दिया गया है। तो अभी कितना देर ऐसे गर्म पानी में खून रहेगा दादा? 5 मिनट। 5 मिनट। अच्छा, इसको पहले गर्म पानी में क्यों डालते हैं? रक्ती का जो कचरा रखता है उसको निकल जाते हैं। अच्छा, तो ये देख लो, मतलब निकल गया, देखिए सब निकल रहा है, डाले और जो है निकलना स्टार्ट हो गया, पुनः पानी गर्म हो गया है। हाँ, ये देख लो भाई साहब, मतलब रक्ती डला है और जो भी इसका गंदा है वो निकल चुका है। तो भाई यहाँ पे देख लो, रक्ती जो है सीझ चुका है, कचड़ा गंदगी देख रहे हो, क्या भयंकर सा निकला है। मतलब अगर आप कभी रक्ती बनाते हो तो ये प्रोसेस जरूर करना। और अब रक्ती का पीस पीस यहाँ पे बनाया जा रहा है। अगर आप कभी रक्ती खरीदते हो तो गोटा ही लेके आना, पीस भाई साहब पकने के बाद, मतलब सीझने के बाद करना। और ये देखो छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया जा रहा है, तो देख के लग नहीं रहा है कि ये खून है, लग रहा है जैसे कलेजी है, फेफड़ा। तो यहाँ पे जो है रक्ती को सिझाते सिझाते भाई साहब टुकड़ा टुकड़ा भी कर दिया गया। थोड़ा एक बार छुली पे उठाई तो रक्ती को दादा ऊपर, हाँ ऊपर कीजिए। तो ये देखो लग रहा है, देखिए कि ये खून है, लग रहा है ना कि कलेजी है। हाँ, अभी और पकेगा ये कि हो गया? अब हो गया, ये हो गया नहीं? हाँ ये हो गया। तो भाई यहाँ पे देख लो, कढ़ाई जो एक बार फिर से चढ़ चुका है और वहाँ पे रक्ती ठंडे पानी में रख दिया गया है। तो भाई यहाँ पे देख लो, तेल अच्छे से गर्म हुआ है और होने के बाद प्याज का बढ़िया सा क्वांटिटी जो है इसमें डल चुका है। तो भाई यहाँ पे प्याज जो है 2-4 मिनट के भीतर अच्छे से भुनने के बाद इसमें कूच कर डाला हुआ है अदरक, कूच कर डाला हुआ है लहसुन, और यहाँ पे इनका सारा मसाला का सेटअप रखा हुआ है। और यहाँ पे देख लो अब डलने वाला है, क्या डलेगा? मिर्चा। और इनका देखो ये है भाई मशीन जिसमें जो है सब कुछ कूचते हैं, मतलब तरीका बिल्कुल देसी होने वाला है। और यहाँ पे प्याज आदि लहसुन ये सब भुनने के बाद अब इसमें डाला जा रहा है खस्सी का खून। और देख सकते हो किस हिसाब का भाई इसका कलर है और शेप, लग रहा है कि भाई ये कलेजी। बार बार मेरे को रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि मैं खुद भूल जा रहा हूँ कि ये कलेजी है कि रखती। और अब इसमें जा रहा है नमक। तो कितना देर अभी इसको लगेगा बनने में दादा, कितना देर लगता है अभी? ये 10 मिनट में जाएगा। 10 मिनट, मतलब मसाला भूनने में जो टाइम लगे। हाँ हाँ हाँ, रखती तो पहले ही पक चुका है। वो पक चुका है, पक चुका है। और यहाँ पे नमक डालने के बाद देख लो काफी अच्छे तरीके से इसको भून रहे हैं। अच्छा ये तो रखती भून रहे हैं, हमको ये बताइए कि रखती का कैसा डिमांड रहता है, मतलब लोग यहाँ पे आते हैं लेके बनवाने के लिए बराबर? हम तो मीट का जैसे रेट ले लेते हैं। हाँ नहीं नहीं, मतलब आदमी बराबर भुंजवाने आता है यहाँ पे? हाँ हाँ, बराबर बराबर। आप कभी रखती खाएंगे? नहीं खाए हैं। कैसा लगता है? हम तो हमेशा खाते हैं। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना। और इनका जो है रखती बनाने का तरीका बड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि हमने सुन रखा है रखती बड़ा बढ़िया बनाते हैं। और अब जो है इसमें जाने वाला है टमाटर, मतलब डल चुका है आधा टुकड़ा टमाटर का। तो यहाँ पे जो है 2-4 मिनट ही लगा रखती को भूनने में, और भाई साहब कलर अभी भी वैसा ही है। ये काला काला दाग क्या आ गया उसके ऊपर दादा? ये काला काला क्या, वैसा कलर हो ही जाता है क्या? हाँ। और क्या क्या मसाला डाले हैं इसमें अभी? खड़कपुरिया मसाला। हाँ खड़कपुरिया मसाला। और कुछ डाले हैं क्या? डाले जीरा, जीरा पाउडर डाल दिए। हाँ हल्दी, 3 चीज गया है। तो ये क्या है, बहुत कम मसाला से बनता है क्या? हाँ। तो भाई साहब यहाँ पे पूरा माहौल सुरसुरा गया और अपना खस्सी का रखती बनकर लगभग हो चुका है रेडी। दादा अब हमको रेट बताइए, क्या रेट लेते हैं बनाने का खस्सी का मीट? खस्सी का मीट 150 रुपया। मुर्गी का? मुर्गी 100 रुपया। और रखती कैसे बनाते हैं? रखती वही मीट हिसाब लेते हैं। खस्सी का कि मुर्गी का? ये तो मुर्गी का हिसाब में, मुर्गी का रेट। और भाई साहब यहाँ पे अब इसमें गया है आपका मीट का मसाला और बाद में जा रहा है धनिया का पत्ता, और ये बनकर हो चुका है रेडी अपना रखती। तो करना क्या है, फटाफट इसको लगवाते हैं पत्ते पे, करते हैं टेस्ट, आपको बताते हैं कि भाई इस खूबसूरत से बाजार में बने इस रखती का स्वाद कैसा होने वाला है। तो भाई अपना जो है रखती बनने के बाद पत्ते पे मिलने के बाद एज यूजुअल आ चुका है अपने टेबल पे। और भाई साहब सबसे पहले तो आप इस पे गौर करो कि ये दिखता कैसा है, इस तरीके से बना हुआ मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। पीस वगैरह पे गौर करो, कुछ इस तरीके का पीस है। और भाई साहब मसाला जो इस पे डला ऊपर ऊपर मोटा मोटा वो आपको दिखने वाला है, साथ में जो यहाँ पे आदि लहसुन प्याज ये सब जो है दिखने वाला। और मसालों की खुशबू की बात करें तो इसमें जो लास्ट में डला आपका मीट का मसाला उसका जो है खुशबू अच्छा सा आ रहा है। टमाटर यहाँ पर है और रखती तोड़ कर आपको दिखाते हैं कि अंदर से कैसा दिखता है। भाई दबा रहे तो पूरा जो है इसके अंदर से रस्सा निकल रहा है, और भाई तोड़ने के बाद ऊपर का कलर कुछ और था, नीचे का कलर कुछ और है। ये देख लो, मतलब समझ में आएगा कि आपको, हाँ ये रखती है।
कलेजी नहीं। और भाई ये देख लो बीच बीच में एयर का बबल जो बन जाता है उस तरीके से ये दिखने में है, हालांकि बाकी पूरा सॉफ्ट ये देखो। तो भाई नज़ारा तो इसका दे दिया हमने, अब जो है इसका आपको स्वाद बताते हैं कि एक्चुअल में लग रहा है कैसे। तो पहले एक बार हमने खाया लेकिन वो ग्रेवी वाला था। सबसे पहले ना इसमें जो मसाला है ना प्याज व्याज, इससे खा के थोड़ा मुँह का स्वाद बढ़िया करते हैं। प्याज व्याज खर करके भुजा हुआ और खड़कपुरिया मसाला और उसमें जो लहसुन रहता है उसका टेस्ट तो इन सब में बढ़िया सा आ रहा है। और अब रक्ती की बारी, तो रक्ती उठाएंगे अपने छोटे वाले टुकड़े से। ये देखो मतलब ये जो टेस्ट है ना कलेजी के जैसा तो बिल्कुल नहीं है। और इसका टेस्ट ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये रक्ती है। जनरली क्या होता है कि ब्लड का जो अपना एक स्वाद होता है वो भाई सब समझ में आता है अगर खाने के साथ, लेकिन इसमें ब्लड का जरा भी स्वाद समझ में नहीं आ रहा है। और आप बोलोगे ब्लड कब खाए हो, तो भाई जब छोटे वेले में कहीं पे भी उंगली उंगली में चोट लग जाता था ना फटाक से मुँह में ले लेते थे तो इससे खून बंद हो जाता था जल्दी, तो मेरे को वो टेस्ट याद है, लेकिन ये उसमें नहीं है। बाकी एक पीस और लेते हैं, छोटा टुकड़ा लेंगे, अलग ही टेस्ट है इसका। मतलब अगर आंख बंद करके किसी को खिला दो तो वो पकड़ नहीं पाएगा कि ये चीज क्या है। बाकी मसाला वगैरह जो डला है ऊपर तो उसका फ्लेवर है, तीखा वगैरह जो डाला है, मिर्चा है, लहसुन है, इन सब का टेस्ट बढ़िया से समझ में आ रहा है इसमें। लेकिन जैसा हम अपने सोच रहे थे, जैसा दिमाग में चल रहा था कि जो है इस तरीके से बनाएंगे भुजा हुआ, तो ऐसा भुजा हुआ रक्ती का स्वाद होगा, लेकिन अलग है बिल्कुल। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कैसे इसको डिस्क्राइब करें इसके टेस्ट को। मुंह में ले रहे हैं तो फील जो है फेफड़ा टाइप का है, मतलब थोड़ा रबड़ी ऐसे दबा रहे ना तो थोड़ा सा दब रहा है, लेकिन उसका फटाक से ना टूट जा रहा है, कट जा रहा है फ्लेवर इसमें। मतलब क्या बोलते हैं मसाला का ही समझ में आ रहा है ज़्यादा, एक तरह से समझ लो। इसको अगर झोर लगाया जाता तो ये हो सकता था कि जो मसाला का टेस्ट वगैरह इसके भीतर तक जाता, लेकिन ऊपर ऊपर है तो भीतर में कोई भी मसाला का फ्लेवर नहीं है। मतलब क्या है ना कि ये जनरली बाजार में ज़्यादातर लोग चखना के रूप में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है लोगों को हर कुछ चल जाता है, लेकिन अगर आप ऐसे खाओगे ना फर्स्ट टाइम के लिए, मेरे मतलब मैं अपना आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, ओके ठीक है। अब एक और छोटा सा लेते हैं टुकड़ा, एक बार हमने रक्ती ट्राई किया था रामगढ़ में एक होटल में, तो वहाँ पे जो रक्ती हमने खाया था ना, तो वहाँ का रक्ती का स्वाद कैसा था बताओ। एक तो वो झोर वाला था, मसाला वगैरह का स्वाद अंदर था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ना ब्लड का टेस्ट भी समझ में आ रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें ना जरा सा भी आपको वो वाला ना टेस्ट है ना स्मेल है ब्लड का। और हमको लगता है ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि सबसे पहले तो इसको ना गर्म पानी में जो खौलाया गया उसके कारण इतना ज़्यादा इसके भीतर से गंदा निकला, मतलब देखकर भाई साहब आपका मन नहीं करेगा कि खाए अगर उस तरह से कर नहीं बनाया जाए। तो वो कारण से इसमें जरा सा भी बदबू, जरा सा भी बैड स्मेल वो सब नहीं है। बाकी नॉनवेज लवर है तो एक बार ट्राई करना बनता है, ताकि कल को आपको कोई पूछे तो भाई रक्ती कभी खाए हो तो आप बता सको हाँ हमने रक्ती चखा है, ठीक है। एक्सपीरियंस ठीक ठीक है, कुछ खास नहीं है, मतलब खा के वाह मज़ा आ गया, मतलब चटपटा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार ट्राई कर लिया चलेगा, फिलहाल इसमें थोड़ा बहुत है, कोशिश करेंगे खाने का, खा पाए तो ठीक, नहीं तो फिर तो करना क्या है। वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड, और आपसे हमारी वैसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि
हम अपने चैनल पे इसी तरह से आपको ढूंढ ढूंढ कर गांव घर का यूनिक से यूनिक नॉनवेज का बढ़िया से बढ़िया टेस्ट आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो मिलते हैं कल कुछ कहीं और इसी तरह का कुछ नया सा लेके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।